गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास थ्री. फॉर टुडे योर साइंस टॉपिक इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट. हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट एड कैसे लेते हैं, और अगर डॉक्टर के पास आप नहीं जा पा रहे हो तो इंजर्ड पर्सन के संग क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, वॉट एवर स्टेप्स यू कैन टेक व्हेन एन एक्सीडेंट ऑकर, ठीक है. और मैंने कुछ आपको फर्स्ट एड किट के बारे में बताया था कि उसमें क्या क्या सामान होता है, ठीक है. यहाँ पे आपको एक जो ये जो पिक्चर दिख रही है, ये है फर्स्ट एड बॉक्स आपका, और उसके सारे आइटम्स जो उसमें होते हैं, आपका एंटीसेप्टिक लोशन है, कॉटन है, बैंडेज है, सीजर है, एंटीसेप्टिक क्रीम है, गॉज बैंडेजेस हैं, ये सब उसमें मिलता है, ठीक है. अब आ जाते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो बोलते हैं ना कि अगर आपको पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो उससे पहले ही उसका कुछ प्रिवेंशन आप ले लो. बाद में लेने से अच्छा है, मतलब चोट लगने के बाद में रोने से अच्छा है कि आप पहले उसका कुछ सावधानी ले लो, ठीक है. तो बेसिकली यही है इसमें कि कैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हो, यही इसमें बताता है. जैसे वी स्पेंड आवर डे इधर एट होम, या तो घर पे बिताते हो, या स्कूल में, या फिर ऑफिस में. ऑफिस में पापा लोग जाते हैं, आप स्कूल जाते हो, और घर पे तो सभी लोग रहते हैं. इफ़ यू आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स, तो जितने भी सेफ्टी रूल्स अभी तक मैंने इस चैप्टर में आपको पढ़ाए हैं, अगर आप उसे अच्छे से फॉलो करोगे, उसे ध्यान से फॉलो करोगे, तो कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी बुरी चीज़ आपके संग नहीं होगी. ये इसी में है कि आप अपने आप को कैसे सेफ रखते हो किस चीज़ से. जस्ट बी अ गुड बॉय और गुड गर्ल, स्टे नाइसली रादर देन रनिंग अराउंड. सो इस चीज़ से आप अपने आप को सेफ रख सकते हो, ठीक है. स्टेइंग हेल्दी इज एज इम्पॉर्टेंट एज बींग सेफ. अब सेफ्टी की बात हो चुकी है कि सेफ रहना कितना ज़रूरी है. ऑब्वियसली किसी को चोट लगती है तो वो बहुत पेन में होता है, तो वो चीज़ नहीं हो, इसलिए हम लोग सेफ्टी रूल्स हम लोग ने बनाए हैं. तो वो सेफ्टी रूल्स फॉलो हो जाएंगे तो अपने आप चोट नहीं लगेगी. वैसे ही हेल्दी रहना, फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप अपने सराउंडिंग को क्लीन रख सकते हैं. होता है ना कि मतलब डिजीज़ हो जाती है, ऑब्वियसली अगर चारों तरफ आपके कचरा है, गंदगी है, यू आर स्टेइंग एट अ होम जो आपके घर है वो फैला हुआ है, गंदा है, तो अपने आप ही बीमारी आपके पास आती है. नहीं चाहते हुए भी आप बीमार फील करोगे क्योंकि आपका सराउंडिंग बीमार है, आपकी सराउंडिंग इतनी गंदी है, तो आप अपने आप ही फील करोगे कि ये मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ. तो वी मस्ट टेक केयर टू कीप आवर होम एंड स्कूल फ्री फ्रॉम, हमें इन सब चीज़ों से उसको फ्री मतलब मुक्त करके रखना चाहिए. विच इज़ डर्ट एंड डस्ट, ऑब्वियसली गंदगी किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तो उस चीज़ से अपने होम स्कूल को फ्री रखो. किचन गार्बेज एंड रैग्स, कचड़े पड़े इधर से इधर उधर, और पहले सबसे पहले चैरिटी बिगिन्स एट होम इफ़ यू नो. सो घर को अपने साफ करो, तब जाके आप कहीं कॉलोनी को, सोसाइटी को, और पता नहीं कहाँ कहाँ साफ कर सकते हो. पहले खुद को साफ रखो, घर को साफ रखो, फिर कहीं और साफ करो. सो जो ये किचन गार्बेज है मतलब गंदगी है, ये सब को थोड़ा दूर रखो. वेस्ट थिंग्स सच एज यूज्ड पेंसिल पेन रिफिल्स और एम्प्टी कार्टून्स. सो पेन रिफिल होते हैं, हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर ख़त्म हो जाता तो ऐसे ही फेंक देते हैं. और कार्टून्स जो होते हैं, जो आपके जैसे नया कुछ आता है तो कार्टून्स रहते हैं, वो हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं. सो ये सब रिसाइकल हो सकता है, तो इन सबको ऐसे ही मत डालो, उसको डस्टबिन में डालो प्रॉपर, और फिर वो जाके जहाँ यूजफुल हो सकता है वो चीज़ें. मस्कीटोज़ एंड फ्लाइज दैट मे स्प्रेड डिजीजेस, ऑब्वियसली मस्कीटोज़ एंड ये जो मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, ये सब ये जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज हैं, ये सबको कैसे आप दूर रख सकते हो, आप अपने सराउंडिंग को क्लीन रखो, ठीक है. और
उस रूम फ्रेशनर यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ दैट फिनाइल थिंग एंड मैनी थिंग्स आर देयर टू यूज़ टू कीप योर सराउंडिंग क्लीन, जिससे ये सब छोटे छोटे मस्कीटोज और ये सब नहीं उस पर आए. अगर सपोज़ आपका बहुत दिन से वो कचरा पड़ा ही हुआ है एंड नो वन इज़ केयरिंग फॉर इट, तो वहाँ पर आएंगे ही आएंगे ये सब, और फिर वो वहाँ से आपके पास आएंगे और फिर ऐसी तो बीमारी फैलती है. तो ये सब का भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए. स्टैगनेंट वाटर इन पॉट्स दैट कैन ब्रीड मस्कीटोज. अब बहुत दिन का पानी पड़ा हुआ है मटके में, बहुत दिन का पानी पड़ा ही हुआ है, तो ना तो वो आपको पीना चाहिए, ना किसी भी जानवर को पीना, किसी को नहीं पीना चाहिए. तो ये सब से भी बीमारियाँ आती हैं. तो पानी रोज़ बदलना चाहिए, चाहे वो बॉटल का पानी हो या मटके का पानी हो या कहीं का भी हो, पानी ज़रूर बदले. एंड फॉर इफ़ यू आर फीडिंग एन एनी एनिमल, उसके लिए भी रोज़ फ्रेश वाटर सर्व करें, कभी भी उसे पुराना पानी ना पिलाएं. अच्छा, इफ़ यू सी दिस, देर इज़ अ नोट काइंड ऑफ अ थिंग विच सेज रिमेंबर. तो रिमेंबर वॉट? रिमेंबर गुड हाइजीन कीप्स अस सेफ फ्रॉम डिजीजेस. खुद की हाइजीन अगर अच्छी होगी, खुद के हैबिट्स अच्छे होंगे, हाइजीनिक हो गए आप लोग, तो आप खुद को बचा सकते हो. वॉश योर हैंड्स आफ्टर एंड बिफोर मील्स इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑब्वियसली आप खाना खाने के पहले क्या क्या टच कर रहे हो आपको भी नहीं पता, मतलब ज़रूर आप बहुत कुछ टच कर रहे हो, तो उसके पहले एक बार हाथ धो, और उसके खाने के बाद ऑब्वियसली उसमें हाथ में खाना वाना रह जाता है, कुछ गंदगी रह जाती है, उसको हाथ धो. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉश योर हैंड्स विद एंटीसेप्टिक सोप आफ्टर प्लेइंग. सपोज आप बाहर से खेल के आ रहे हो कीचड़ में, ये वो पता नहीं क्या क्या, तो क्या करो कि आके जल्दी से एक बार सोप से हाथ धो लो, साबुन से हाथ धो लो. जर्म्स कैन लिव अंडर फिंगर नेल्स, कीप देम शॉर्ट एंड क्लीन. सो जर्म्स जो हैं वो आपके नेल्स में भर जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उन्हें शॉर्ट और क्लीन रखना चाहिए हमेशा. आपकी टीचर्स आपको बोलती हैं स्कूल में, जब भी आप आते हो तो अगर आपके फिंगर्स बड़े होते हैं तो आपको बोला जाता है कि बच्चों उसे काट के आओ, अच्छे से साफ़ करके आओ, लेकिन आप जनरली नहीं करते हो, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए. अगर हाइजीन मेंटेन हो रही है तो उसकी वजह से आपको अपने फिंगर नेल्स को भी शॉर्ट और क्लीन रखना चाहिए. रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील टू कीप योर टीथ सेफ. अच्छा, एवरी मील बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि याद नहीं रहता है, बट डेफिनेटली आई शुड सजेस्ट यू कि आप एक तो ब्रश डेली करो दो टाइम, मॉर्निंग एंड इवनिंग, विच विल हेल्प यू, हेल्प योर टीथ, इट विल नॉट डीके. तो ये चीज़ याद रखो कि दो टाइम ब्रश इज़ अ मस्ट. ये कुछ आपके हेल्दी हैबिट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप सेफ़ रहें, आपका घर सेफ रहे, एंड देन योर सराउंडिंग, एवरी वन शुड बी सेफ. यस, एंड अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो और ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा प्रिवेंशन लेनी चाहिए. मास्क पहनो, यू यूज़ सैनिटाइज़र, सोप्स, एनी टाइम यू टच एनीथिंग यूज सोप. वॉश योर हैंड्स, इफ नॉट यू डोंट हैव सोप एनी वे यू कैन यूज सैनिटाइजर. सो ये सब ध्यान रखो. अभी इस समय सेफ्टी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है. सो ये चैप्टर परफेक्ट टाइम पर आप लोग को मिला है पढ़ने के लिए, क्योंकि दिस टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू बी सेफ. स्टे होम एंड स्टे सेफ, दिस इज़ वॉट द मंत्रा इज़. एंड वील मीट सून. For today, your class is over. Thank you, class.